दोस्तों ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये बकरवालों के घर है। ऐसे घर मैंने श्रीनगर में भी देखे थे, गुजरों के घर। अभी पतझड़ का मौसम आ गया है इसलिए दरख्तों के पत्ते झड़ रहे हैं, तो एक अलग ही लोकेशन बनी हुई है, क्योंकि हर मौसम में अपना अपना अलग ही रंग होता है। ये अभी हमारा काफला रुका हुआ है कि कोई ना कोई लोकेशन पूछ रहे हैं किसी से कि इसको फाइनल करते हैं ना। दस चार गाड़ियां लगेंगी वहां। अच्छा अरे जी आप ही देख के आओ कॉटेज। कॉटेज लेनी है? हां मैं तो गाड़ी में सोऊंगा। मैं बहुत देर आपको लेनी है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ठंड उसमें झेलेगी नहीं। इसमें इसमें पड़ा हुआ है वो आपका बड़ा, वो ऊपर वो दिख रहा है। ये काम करो, दो एक्सपर्ट देख के आओ। ठीक तो हुआ है वहां। ये तो कंफर्म है जब रुक के गए तो। ये कैंपिंग साइट देंगे जैसे हमको दी। ये कौन सा वल्चर है? मेरे भाई आपका क्या नाम है? तो ये देखिए, ये सामने नागधुरा बोलते हैं इसको, इसके ऊपर स्नो पड़ी हुई है। अभी उत्तराखंड में ऊंची चोटियों पर स्नो गिरनी शुरू हो चुकी है लेकिन नीचे के एरिया में नहीं अभी हुई। काफ़ी दूर है। सो दोस्तों आज हम लोग रोड साइड कैंपिंग कर रहे हैं उत्तराखंड के मुनस्यारी में, और आज बनेगी लौकी चना। हम सभी लोग मिलकर बनाएंगे आज। रोड साइड कैंपिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है। सामने आपको स्नो पीक दिखाई देंगे, कि हम लोगों ने अपनी गाड़ी लगा ली है कहाँ पर, टू इको पार्क मुनस्यारी में गाड़ी लगा ली है हम लोगों ने। और अभी हम लोगों ने, आप देख सकते हो रोड साइड किनारे कुछ लोगों ने टेंट पिच किए हैं इधर। जिनको टेंट चाहिए वो टेंट लगा सकते हैं। हम लोगों का गाड़ी में सेटअप है तो गाड़ी में खड़े हैं। अभी हम लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर हमारे सर पड़ोसी आज चेंज हो गए। परसों दूसरे थे, आज इधर एक पड़ोसी और चेंज हो गए। तो दैट्स इट, अभी खाना बनाते हैं और आपको दिखाते हैं क्या बनाया। सबकी रसोई में अलग अलग सामान बना। आई होप कि एवरीबॉडी विल एंजॉय। हो सकता है आपके पास खुशबू पहुंचना शुरू हो गई हो, क्योंकि मधुर मधुर आइटम, खुशबूदार, लाजवाब, और फिर जो प्राकृतिक का जो नज़ारा है ना उसके अंदर खुशबू और बढ़ जाएगी। इंतज़ार कीजिए, खुशबू आने वाली है। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब TSK ट्रेवल्स। ऐसे ही ना, TSK ट्रेवल आपका नाम है कुछ ऐसे ही? TSK ट्रेवल वर्ल्ड्स। TSK ट्रेवल वर्ल्ड्स। मैं क्या कर रहा हूँ, खाने का नियोजन कर रहा हूँ और खिचड़ी बना रहा हूँ दलिया वाली, जिसमें गोभी है, आलू है, टमाटर है, हरी मिर्च है, प्याज है, लहसुन का पेस्ट है और हेल्दी दलिया बना रहा हूँ। ओके थैंक्स। रंग का क्या चल रहा? वीडियो बना रहा। कंफर्टेबल हो आप? ये देखिए सामने ना, जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है वैसे वैसे स्नो बढ़ रही है ऊपर, स्नो पीक्स के ऊपर। ये वो देखिए, एक ऊपर, सबसे ऊपर मैं कोशिश करूंगा वहां पर एरो लगा दूंगा, क्योंकि कैमरा इस वक्त जस्टिफाई नहीं कर पा रहा उस चीज को। मैं वहां एरो लगाऊंगा, वो चोटी इतनी
तीखी, जैसे माउंट एवरेस्ट होती है ना वैसे तीखी चोटी है और बहुत ज्यादा व्हाइट नजर आ रही है। कि दोस्तों मैंने तड़का तैयार कर लिया है, प्याज लहसुन टमाटर और ये लौकी काट दिया है, उधर सरने चने की दाल गर्म पानी में एक बार उसको बॉयल कर लिया है धोके कि जल्दी बन जाएगी और तड़का तैयार हो रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ, ये हमारे बर्तन है, ये देखिए। आज हमें ज़्यादा सेटअप नहीं लगाना पड़ा क्योंकि हमें यहाँ पर बैठने के लिए जगह मिल गई और बनी बनाई सेल्फ मिल गई हमें। टूर साफ शुरू हो गए हैं सर, ये हिल दोस्तों है। ये जो आप देख रहे हैं ना सामने, ये पंचाचोली पीक्स है, वो ऊपर देखिए जो सामने है, ये शायद कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा लेकिन इतनी खूबसूरत और इतनी वाइट चमक रही है ना, और थोड़ी सी एक इस तरफ है, इसके आगे बादल आ गए। अब पीक है सर, पीक है वो, हाँ 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 वो पीक, वो पंचाचोली पीक है, पंचाचोली पीक, हाँ बहुत। और ये तो सर कुछ भी नहीं है, जीरा 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 तो नया गया जी, देख लो बस, कट को 10 सेकंड मार के कट। तो लीजिए दोस्तों हमारी लौकी चली गई है कुकर के अंदर, तड़का तैयार है। मैं थोड़ा कटिंग में बिजी था इसलिए ध्यान नहीं दे पाए आपको तड़का दिखाने का। सर हमारे बहुत अच्छे शेफ हैं, बहुत बढ़िया खाना इनका बनता है। देखिए भाई सब्जी हमारी बन रही है अभी, धीरे धीरे रखी हुई हमने क्योंकि चपातियां हमें ऊपर से लेनी है। यहाँ एक सरकारी गेस्ट हाउस है, यहाँ रुके हुए हैं और थोड़ा एंजॉय चल रहा है। सब्जी हमारी धीरे धीरे बन रही है, रोटी ऊपर से आ जाएगी फिर उसके बाद कर लिया डिनर। और देखिए सितारे भी आए हुए, हमारे पूर साहब सिंगर भी हैं और हाजिर हो गए हैं। वीडियो भाई हमारा ग्रुप बोन फायर शुरू हो गया और भाई मुझसे बहुत मेहनत कराई है, कर ब्रेक कहना हिल कर लगी हुई है शांति अभी आएगी शांति को ढूंढने तो यहाँ दिल्ली से यहाँ आया हूँ शांति दो इसको। नजर निशा मिलाए वो ही संभाले, वो ही संभाले दुनिया को हम इधर 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 फोकस औरों की धुन अरे हमको तो है साकी जगा झलकाए जा पांच मिनट के लिए ले लीजिए ये लोग दोनों तीनों बोतलें।
सो दोस्तों मैं ना यार बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, टेम्परेचर मेरे ख्याल से माइनस में चला गया होगा, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। सो इसलिए मेरे को तो कपकपी लग रही थी, मैं भाई बना रहा हूँ कॉफ़ी, मेरे पास दूध पड़ा था तो मैंने सोचा कि भाई इससे भला है कि दूध ख़राब हो जाए, इससे अच्छा कि अपने लिए पी लो गर्म करके। सो मैं थोड़ी सी कॉफ़ी डालूंगा बीच में, ये आधा पाउच ही डालूंगा क्योंकि अगर मैं फुल पैक डाल दूंगा तो फिर रात को नींद भी नहीं आएगी, फिर ये स्ट्रांग हो जाएगी, इसलिए मैं इसको आधा डालूंगा। और ये देखिए मैंने दूध रख दिया है, ये यार कप बड़ा बेस्ट लगा मुझे, पतीला की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें दो कप कॉफ़ी के बड़े आराम से बन जाते हैं। तो ये मैंने अपनी गाड़ी के अंदर ही बैठा हूँ मैं इस वक्त, ये देखिए ये मेरा सेट बेड लगा है, ये अभी मेरे कंबल इधर पैक है। सो बाहर बहुत, बाहर जो लोकेशन है वो तो बहुत प्यारी है क्योंकि जो पहाड़ पे लाइटें जग रही हैं बहुत खूबसूरत लग रही हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है यार। सो इसलिए मैं कॉफ़ी बनाता हूँ, पीते हैं और फिर सोते हैं। सो आज कुछ नई लोकेशनें देखी हैं आपने, प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी ये, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ यार लाइक करो, मेरी सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट भी किया करो। तो चलिए आज इस ब्लॉग को, सॉरी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।